इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रूकॉलर एप्लीकेशन के अंदर हम परमानेंट नोटिफिकेशंस को कैसे बंद कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को यहाँ पर आपको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको परमिशंस मिलेगी चौथे नंबर पर, तो परमिशंस को भी आपको खोल लेना है। और परमिशंस को खोलने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर अदर परमिशंस आपको मिलेगी। और यहाँ पर हम रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो ये प्रोसेस आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अदर परमिशंस पे जाना है। अदर परमिशंस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलती है ऐप्स। जैसे आपको साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको परमिशंस मिलेगी, तो फिर यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जब जाएंगे आप सबसे नीचे, तो यहाँ पर आपको परमानेंट नोटिफिकेशंस दिख जाती है। तो जैसे आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर ट्रूकॉलर मिल जाती है। तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं, डिने करते हैं, तो यहाँ पर परमानेंट नोटिफिकेशन ट्रूकॉलर से बंद हो जाती है। और जैसे आप इसको अपसेक करते हैं तो यहाँ पर ये चालू हो जाती है। तो ये प्रोसेस है इसको बंद चालू करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।